तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्याम नमः श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः श्री गोभ्या नमः ओम नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्येवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावा समुत्पन्ना मत्स्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तुया नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः। सर्वकाम दुघे देवी सर्वतीर्थाभिषेचने पावनेश्वरवश्रेष्ठे देवीस्तुभ्यं नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्समातरं नमो देव्यै महादेव्यै शरभ्यै च नमो नमः। गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। हरि 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 सुमरन करो हरि चरणार बिंद चित धरो हरि जुकी कथा हो जनित जहां गंगा हो चलियावे तहां जमुना और सरस्वती आवे गोदावरी विलंब न लावे सब तीर्थ को बासो तहां सूर हरि कथा होवे जहां। हरि 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 सुमरन करो हरि करुणार बिंद चित धरो। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन। जय कीरति वृषभान राधिका अष्ट सखी गण। जय जय यमुना पुलिन रास मंडल के मंडन। कामधेनु अभिषेक करो गोविंद पद भूषित किए गो सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये। तो भक्त वत्सल भगवान की जय। गो गोपाल गणेश गुरु दत्त शरण सिर नाए गाय भक्त माला लिखूं नाभा प्रिया मनाए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चार श्रवहि पय एक पय को फल नवनीत सम धेनु भक्ति है एक। हरि भक्ति गो भक्ति में गो भक्ति सविशेष हरिहु की अति इष्ट गौ सहज द्रवहि अखिलेशो। राधारम श्री दत्त शरण आज्ञा दई गो भक्तन को यश गाओ अविमत फल दातार गौ भव सागर को नाओ। वृंदावन बिहारी भगवान की जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय सीतापति राम रघुनाथ जय जय भोले की जय जय शंकर की जय जय भोले की जय जय शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो गौ माता की जय जड़खोर गोधाम की जय गोमति विद्या अति पवित्र लोक पिता महने कही ब्रह्मा देवराज अरु वरुण पुत्र को दीने वरुण पुत्र पुष्कर से परशुराम ने लीने देवराज ने दशरथ तिन सुत राम ही भाकी राम अनुज प्रति लक्ष्मण ने मुनि जन प्रति भाकी
परशुराम कही भीष्म से, भीष्म युधिष्ठिर से कही, गोमती विद्या अति पवित्र लोक पितामह ने कही। लगभग सभी पुराणों में गोमती विद्या की चर्चा है और उसके श्लोक हैं। विशेष रूप से श्लोक जो है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, विष्णोत्तर धर्म में, विष्णोत्तर धर्म पुराण में विशेष रूप से इसका वर्णन हुआ है। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें गोमती विद्या की चर्चा ना हो, पर उसका कुछ उस विद्या को ग्रहण करके तपस्या करना कुछ कठिन है, अनुष्ठान की कठिनाई के कारण एक प्रकार से वह लुप्त जैसा हो गया है। यह छप्पे पढ़ा जा चुका है, फिर से स्मरण के लिए कह रहे हैं। इस गोमती विद्या को ब्रह्मा जी ने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को दी है। देवराज इंद्र से वरुण के पुत्र पुष्कर ने प्राप्त की। वरुण के पुत्र पुष्कर के पास में जा करके परशुराम जी ने प्राप्त की। एक क्रम तो ये हो गया। दूसरा क्रम क्या है? ब्रह्मा देवराज इंद्र के मित्र जो है दशरथ जी थे, दशरथ जी ने एक बार उनसे कहा कि आपको गोमती विद्या प्राप्त है, कृपा करके हमको गोमती विद्या दे दीजिए। तो देवराज इंद्र ने दशरथ जी को यह विद्या दी और दशरथ जी ने अपने पुत्र राम जी को यह विद्या दी। राम जी ने इस विद्या को लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने ऋषि मुनियों को इस विद्या को दिया। दूसरा भाग हो गया। तीसरा, परशुराम जी जो पुष्कर से सीख करके लाए थे, उन्होंने इस विद्या को भीष्म पितामह को दिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से इस विद्या का वर्णन किया। ऐसी गोमती विद्या अति पवित्र लोक पितामह ने कही। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस विद्या का वर्णन किया है। महाभारत में लिखा है, एतत् पितामहे नोक्तम इंद्राय भर्तृसभव। इस इंद्र को लोक पितामह ब्रह्मा ने इंद्र से कही, इंद्रो दशरथा माहो रामायाह पिता तथा। इंद्र ने दशरथ जी से कही, दशरथ जी ने राम जी को दी। राघवोपि प्रिय भ्रात्रे लक्ष्मणाय सत्सुने। राघव जी ने, राम जी ने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को दी। ऋषिभ्यो लक्ष्मणे नोक्तम अरण्ये वसता प्रभो। दंडकारण्य में निवास करते समय लक्ष्मण जी ने यह विद्या ऋषियों को दी। परम्परिया गतम चेतम वृषया संसित व्रता दुर्धारम धारया मास राजानश्चैव धार्मका। यह परंपरा से ऋषियों में यह विद्या रही और यह कठिन है। गाय के समान तपस्या करने की बुद्धि या साहस या सामर्थ्य कम लोग में होती है। तो इस विद्या को राजाओं ने, सूर्य वंश के राजाओं ने धारण किया, वह परम धार्मिक थे। अब गोमती विद्या इस प्रकार से है। गोमतीं कीर्तयिष्यामि सर्व पाप प्रणाशनीं ताम तुमे वदतो विप्रो सुनुष्य सुसमाहिता। हे ब्राह्मणो, यह गोमती विद्या सर्व पापों को नाश करने वाली है, सावधान होकर के इस विद्या को सुनो। आपने हमसे पूछा है तो हम इस विद्या का वर्णन कर रहे हैं। गावा सुरवयो नित्यम गावो गुग्गुल गंधिका गावा प्रतिष्ठा भूतानाम गावा सत्यनम परम। ये गवोपनिषद में भी ये श्लोक है और गोमती विद्या में भी। गायों में सुरभि सुगंध आती है, गायों में एक तरह की सुगंध आती है, वो गुग्गुल के जैसी सुगंध आती है और कमल पुष्प जैसी सुगंध आती है।
पद्मा गाय जिसको कहते हैं उसमें कमल जैसी, उसके दूध में कमल जैसी सुगंध आती। गावा प्रतिष्ठा भूतानाम, प्राणियों की प्रतिष्ठा माने आधार जिसकर की उन्नति होती है वो गाय ही है। गावा स्वत्यनम परम, गायें परम मंगलकारी स्वस्ति वाचन है, कल्याण के वाक्य है जिनसे सदा मंगल होता है। अन्नमेव परम गावो देवानाम हविरुत्तमम, पावनम सर्वभूतानाम रक्षन्ति च चरन्ति च। गौ माता देवताओं का, पितरों का, मनुष्य का, सबका पालन करती है। देवताओं को हविष के द्वारा पालन करती हैं, पितरों को कब्य के द्वारा पालन करती हैं, और मनुष्यों का दूध दही घृत तक्र आदि गोरोचन आदि के द्वारा पालन करती हैं। पावनम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में पवित्र गौ माता है। रक्षन्ति च बहन्ति च, गौ माता सदा रक्षा करती है। हविषा मंत्र पूतेनो तर्पयन तवरान दिवी, स्वर्ग में गौ माता अपने हविष्य के द्वारा, घृत आदि के द्वारा, मंत्रों से यज्ञ के द्वारा और कव्य के द्वारा ऋषियों को और देवताओं को और पितरों का तर्पण करती है। अमरान दिवी स्वर्ग में देवताओं को तृप्त करती है। ऋषि नाम अग्निहोत्रे सु गावो होमे प्रयोजिता, ऋषियों ने जो अग्निहोत्र करके उन्नति की है उसमें गाय का ही, गाय ही यज्ञ के संचालन करने में सहायक हैं। सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमं, गावः पवित्रं परमं, गावो मंगलमुत्तमं। सभी प्राणियों का आधार, कल्याण का कारण गायें ही है। गायें सबसे पवित्र है और गायें ही मंगल को करने वाली है, मंगल का भी मंगल करने वाली उत्तम मंगल गायें हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानं, गावो धन्या सनातना, गायें स्वर्ग का सोपान है, सीढ़ियाँ हैं। गायें सनातन धर्म में बड़ी पूजा है, सदा रहने वाली सनातन है। ओम नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्येव च पवित्राभ्यो नमो नमः, ये गौ माता का मंत्र है। इस मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं दुधाश्चतम, ब्राह्मण और गाय यह एक ही कुल में थे, इनके एक ही कुल के दो कुल हो गए हैं। एकत्र मंता तिष्ठन्ति, ब्राह्मणों की शक्ति को, विद्या को एक में मंत्र में रख दिया। मंत्र का भाग ब्राह्मणों के द्वारा कहा जाता है और हविर एकत्र तिष्ठन्ति, गौ माता में हविष्य यज्ञ की सामग्री आदि के देने की बात कही गई है। देव ब्राह्मण गो साधु साध्वी भी सकल जगत धारिते वही सदा तस्मात सर्वे पूज्यतमा सदा, इतने सर्वे पूज्यतमा सदा, ये पूज्यतम है। पूज्य पूज्यतर पूज्यतम माने इनसे श्रेष्ठ पूज्य कोई नहीं है। ये कौन कौन से हैं? देव ब्राह्मण गो साधु, देवता ब्राह्मण गाय और साधु साध्वी और पतिव्रता स्त्रियां सारे संपूर्ण जगत में पवित्र हैं। धारते वही सदा तस्मात, इनके पुण्य से ही यह धरती टिकी हुई है। यह पुण्यतमा है, बड़ी पवित्र हैं। यत तीर्थे सदा गावा प्रवंति तस्ता जलम उत्तरंत यथा ये नौशितास्तत सरस्वती, जलाशय के जिस घाट से गायें उतरती हैं जल पी लेने के लिए, वहाँ पर सरस्वती जी नदी का वास रहता है, सरस्वती का वास रहता है। गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा,
पुष्टिस तथा तद्दद्धि प्रवद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतैव धर्मस तासाम प्रणामं सततम च कुर्यात्। गवाम हि तीर्थे वसती है गंगा, गौ माता के गोमूत्र में गंगा जी का निवास रहता है। पुष्टिस तथा तद्दद्धि प्रवद्धा और पुष्टिकारक होती है। लक्ष्मी करी से इस गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। प्रणतैव धर्म, प्रणाम करने में धर्म का वास है। तासाम प्रणामम सततम च कुर्यात्, इसलिए सदा सर्वदा गायों को प्रणाम करना चाहिए। तो यह जो गोमती विद्या है, इस गोमती विद्या के अनुष्ठान के संबंध में लिखा है। अभी पूरे अनुष्ठान की विधि प्राप्त नहीं हुई, पर इसके मूल में लिखा है कि गौशाला में गायों के बीच में गायों के समान ही केवल लज्जा निवारण को किंचित मात वस्त्रों को धारण करे और गायों के समान ही बैठ करके इस गोमती मध्या के मंत्र का जाप करे। ये है मंत्र, तो जो बताया गया है ये है ओम नमो गोभ्या श्रीमती भ्या। इस मंत्र का जाप करे और कितने दिन का है कितनी संख्या, ये अभी हमको नहीं मिला है, लेकिन उसकी विधि अनेक पुराणों में लिखी मिली है कि ठंड गर्मी वर्षा गायों के साथ ही सब कुछ सहता रहे, मौन रहे, बोले नहीं। गायों के ही पानी पीने पर पानी पिए, गायों के ही चरले लेने पर विश्राम करने पर, गाय जब बैठे तब बैठ जाए, इस तरह की विधि बताई गई है। गौ माता के आश्रित होकर के रहे, अपने में गौ का आधान करे कि हम गाय ही बन गए। तो गो माता महिमा प्रगट महाभारत अतिशय कही, भई बहुआख्यान बखान गाय आराधन भाको, गो सेवा को पुण्य व्यास सर्वोपरि राखो। भीष्म युधिष्ठिर कही व्यास सुखदेव बखाने, परंपरा से सूर्य चंद्र वंशी नृप जाने, गोवध गो के वध सम पाप नहीं, धर्मादिक गो भक्ति दई, गो माता महिमा प्रगट महाभारत अतिशय भई। गो माता की बड़े विस्तार से महिमा महाभारत ग्रंथ में प्रकट हुई है। अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है और उनके द्वारा गाय की महिमा को समझा गया है और गौ सेवा का पुण्य सबसे श्रेष्ठ बताया है। गौदान सभी दानों में श्रेष्ठ है, गव्य पदार्थ सब गव्य पदार्थों में श्रेष्ठ है, गोलोक सब लोकों में श्रेष्ठ है और गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठ है। ऐसा भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को महिमा सुनाई और व्यास देव जी ने सुखदेव जी माँ को महिमा सुनाई। इस प्रकार से परंपरा से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं ने जानी। गो माता महिमा प्रगट महाभारत अतिशय भई, बहु आख्यान बखान गाय महिमा आराधन भाखो, गो सेवा को पुण्य व्यास सर्वोपरि आखो। गो सेवा का पुण्य सर्वोपरि है, ऐसा व्यास जी का कथन है। भीष्म युधिष्ठिर कही व्यास सुखदेव बखानी, भीष्म प्रतापहन जी ने युधिष्ठिर से ये गौ माता की महिमा कही है और व्यास जी से सुखदेव जी से व्यास जी ने उनके पिताजी ने वर्णन की है गाय माता की महिमा। परंपरा से सूर्य चंद्र वंशी ने बतानी,
इस परंपरा से सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजाओं ने इस गाय की महिमा की विद्या को जाना और निर्णय किया, गो के बद सम पाप नहीं, धर्माधिक गो भक्ति कही। गो बद के समान बड़ा पाप नहीं है और गो के पालन के समान, गाय के गंभ पदार्थों के सेवन के समान, गाय से सभी संस्कार करने के समान दूसरी कोई चीज नहीं है। तो गो माता महिमा प्रकट महाभारत अतिशय गई हुई। भाई महाभारत में गो माता की अत्यंत विस्तार से महिमा प्रकट की गई है। अब कहाँ कहाँ गो माता की विशेष महिमा कही गई है तो महाभारत पारा सरी बचा सरोज बमलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानक्यानक केसरम हरिकथा संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैरह पेपीय मानम मुदा भूयात भारत पंकजम कलिमल प्रध्वंसिना से। व्यास जी की वाणी में महाभारत में और गोमाता की महिमा को प्रकट किया गया है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च वर्तस्व यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुचन कुतत कुत्रचित। धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध में जितना विस्तार से महाभारत में वर्णन किया गया है इतने विस्तार से समझा करके और कहीं नहीं है। महाभारत में व्यवहारिक जीवन के परमार्थ के सारे विषयों को इतने विस्तार से कहा गया है कि उसमें सभी विषयों की चर्चा की गई है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थोर बत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महतो। महाभारत पंचम वेद के मध्य में गीता का वर्णन हुआ है तो गीता सभी उपनिषदों का सार है। गाय के समान है, उसको दुहने वाली गोपाल नंदन है और अर्जुन बछड़ा है और विद्वान जन जो है उस दूध का पान करने वाले हैं। इस प्रकार से गीता का अमृत है। बात पे नहीं पे बाज सनेई संघता में गो माता को चित स्वरूप कहा है, गो माता को मन स्वरूप कहा है, बुद्धि स्वरूप कहा है, दक्षिणा स्वरूप कहा है, गायत्री स्वरूप कहा है, पृथ्वी स्वरूप कहा है, बहुत महिमा कही गई है। अब मंत्र है वासनेई संहिता में चिदसी मनसी धीरासी दक्षिणासी क्षत्रियासी यज्ञयाश्चदितिस्युर्वहता शीर्षणी साना सुप्राची सुप्रतीच्योधमित्र यदि वर्णीता ऊखाधन स्तेन्द्रया तिंद्राया यक्षायो अनुत्वा माता मन्यता मनु पितानु भ्राता सर्गभ्योनु सखा सयूथा सा देवी देव यच्छति नद्राय सोमरुद्धात्वा वर्तयतु स्वस्ति सोम सखा पुनेहि। हे गौ माता तुम चित स्वरूपा हो, बुद्धि स्वरूपा हो, मन स्वरूपा हो, दक्षिणा स्वरूपा हो, दाता के कष्ट को निवारण करने वाली हो, यज्ञ स्वरूपा हो, गौ माता स्वरूपा हो, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों दिव्य और बहु पदार्थों को तुम देने वाली हो और तुम पूर्वाभिमुखी पश्चिमाभिमुखी दक्षिणाभिमुखी उत्तराभिमुखी सब ओर से परम पूज्य हो। पूखा यज्ञ के स्वामी इंद्रा देवता की प्रसन्नता के लिए तुम मार्ग में सबकी रक्षा करो। हे वाणी स्वरूपा गऊ सोम लाने के लिए प्रवृत्त तुम्हारी पृथ्वी माता या आज्ञा दें, स्वर्ग पिता आज्ञा दें, सहोदर भाई ईश आज्ञा दें। इस प्रकार आज्ञा को प्राप्त करके
और पृथ्वी माता ने ज्ञान प्राप्त किया। एक समूह में प्रकट होने वाला आत्म प्रतिबिंब सखा आज्ञा दे, हे दिव्य गुण युक्त सोम क्रेणी, तुम इंद्रदेव के लिए सोम लता लाने को जाओ, रुद्र देवता तुमको पुनः हमारी तरफ लौटावे, सोम को लेकर के तब क्षेम पूर्वक फिर हमारे पास नहीं आना, हमारे पास आ जाओ। गौ माता कहती हैं, मियते अमुना इति माता, जिनके द्वारा हम मान पाते हैं, गौ माता के बिना भूमि कहाँ है, भूमि के बिना गौ माता कहाँ है, और दोनों के बिना हम कहाँ हैं, यही है वंदे मातरम की व्याख्या। वंदे मातरम अर्थात इस धरती को ही माता कहा गया है, हम वंदना करते हैं। गो संस्कृत की यह भूमि से भारत भूमि, आर्यावर्त भूमि कहलाया, सनातन भूमि कहलाया। वैदिक शास्त्रों में जो भूमि है वैदिक भूमि कहा गया है, वैदिक कहा गया है, भूमि कहा गया है, हिंदू भूमि, देव भूमि, यज्ञ भूमि, कर्म भूमि, अवतार भूमि कहा है। ब्राह्मणानां गवां चैव महात्म्यम् यत् कीर्तिते कीर्तिते सर्वं श्रुति समूहोऽयं श्रोतव्यो धर्म बुद्धिभिः। ब्राह्मण गायों का जहाँ महत्व महिमा वर्णन किया जाता है, वहाँ सभी वेदों के समूह जो है उसको सुनने के लिए आ जाते हैं। महाभारत माख्यानम क्षितिम गाम च सरस्वती ब्राह्मणान केशवांश्चैव कीर्तिं नावसीदति। महाभारत की कथाओं को सुनने से, पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी माता को प्रणाम करने से, गाय सरस्वती और ब्राह्मण और केशव भगवान इनके कीर्तन करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाभारत आख्यान के अनुसार गौ माता पृथ्वी सरस्वती ब्राह्मण गौ भगवान के सब कीर्तन यह करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ना कीर्तित्वा गा सुप्या तासाम संस्पृत चोरपते। कल जो प्रसिद्ध में वेद मंत्र थे कुछ इसमें भी है, सोते समय गाय का कीर्तन करना चाहिए, जागते समय गाय का कीर्तन करना चाहिए, सायं प्रातः नमस्ते चाप गंगास तथा पुष्टिमाप्रयात। सायंकाल प्रातः काल गाय के कीर्तन स्मरण करना चाहिए, इससे पुष्टि होती है, सुख होता है, समृद्धि होती है। गवाम मूत्र पूरी सच्चा नोद विदेश कथनचनो। गाय के गोबर और मूत्र से कभी किसी को घृणा नहीं करना चाहिए। नतासाम वंश मसनीयात गवाम पुष्टिम तथा पुयात। गौ माता के मांस को कभी नहीं खाना चाहिए, गव्य पदार्थों के द्वारा गाय सदा पोषण करती है। संकीर्तयन नित्यं नाववन्येत तथा अनिष्टं स्वप्नमालक्ष गाम नरः संकीर्तयेत। और सदा गाय का कीर्तन करना चाहिए, गाय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, और अनिष्ट को देख करके गाय का कीर्तन करने से संप्रकीर्तयेत मुसीबत में जो फंसा हो उसको गौ माता का कीर्तन करना चाहिए। गोमयेन सदा स्नायात कलिशे चापि संभसेत। गोमयेन सदा स्नायात, गोबर से सदा स्नान करना चाहिए, कलिशे चापि संभसेत और गोबर के बीच में बैठना चाहिए। इसलिए मूत्र पूरी साणी प्रतिहातम न करिष्यति। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, इनका प्रतिघातम न कारयेत, इनका लंघन नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। एवं रात्रौ दिवा चापि समेषु विषमेषु च महाभयेषु च नरः कीर्तयन् मुचिते भयात्।
दिन में रात्र में सुबह शाम दोपहर को आधी रात को महान भय में जब भी व्यक्ति संकट में पड़े तो गौ माता का कीर्तन करने से सभी भयों से छूट जाता है। स्वरूपा बहरूपा चा विश्वरूपा वसुंधरा प्रजापत्यवती ब्रह्मन जये नित्यम मितव्रता। स्वरूपा बहुरूपा चा, वह गाय सुंदर स्वरूप वाली है, बहुत रूप वाली है। विश्वरूप वसुंधरा, यह विश्वरूप धारण करने वाली है। प्रजापत्यमिति ब्रह्मन जपे नित्यम यतव्रता, प्रजापत्यमिति ब्रह्मन जपे नित्यम यतव्रता। सावधान होकर के और गो माता का जप करना चाहिए, उससे सभी प्रकार की सिद्धि हो जाती है। अब गो माता के पवित्र नाम, जिनका कोष्ठ में नाम लेने से सभी दुस्वप्न नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़ा भारी पुण्य होता है। बहुले समुंगे अकुतो भये चा छेमे च सख्ये सख्ये वही भूय सीचा यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक कृतो वत्सदा ब्रजधारस्य। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा सकृत कृतो वज्रधरस्य यज्ञे। यह गाय माता के पवित्र नाम है जो गोष्ठ में कह लेना चाहिए। आज ही पंडित जी ने सभी कथा के पूर्व लगाए थे, बहुला संगमा अकुता भय क्षेमा सख्या भूयसी, यह नाम अत्यंत पवित्र नाम है। इनको इंद्र ने जो है बद्ध धारण करने वाले इंद्र को ब्रह्मा जी ने शिक्षा दी और विष्णुपदे ने स्थिता विभाव सो चापि पथे स्थिता तथा तथाया देवा च सर्वै सहनार्देनो प्रकुलवते सर्वसहेति नामना। फिर महाभारत में वेदव्यास जी ने गौ माता को मंगलमय नामों की महिमा, उनकी व्याख्या कथा तथा उनकी उत्पत्ति बताई है। और गायों के नाम हैं अघन्या रोहिणी माहेंद्री इज्या कल्याणी दोग्धी सतौदना घटोघनी पावनी बहुला भद्रा श्री अदिति जगती छंदी छन इंद्राणी अर्घ्या ज्योति कामदुघा विस्तृता चंद्रा वसा पर्जन्य पत्नी आतिथेयी यज्ञपदी विश्वायु सावित्री और सरस्वती, ये इतने नाम हैं। तुल्यानि नामानि देयानि तीर्ण तुल्य फलानि च सर्व काम फलानि हो गावः पृथ्वी सरस्वती। गाय पृथ्वी और सरस्वती यह तीनों पवित्र करने वाली हैं, इसलिए तीनों का समान फल है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इनका कभी अपमान अपने द्वारा नहीं होना चाहिए और गोभूम सरस्वती तीनों के समान नाम है। निरुक्त में गौ शब्द के 24 अर्थ कहे गए हैं। गौ शब्द के 24, गौरति पृथ्व्या नाम धेयम, पहला गाय या पृथ्वी का नाम है। आदित्यो भी गुर गोरुच्यते, सूर्य को भी गो कहा गया है। और प्राप्त्या पुष्ट्या लोक संग्रहेण गावस्तुल्या सूर्य पादौ ब्रह्मज्ञा सब सब्दैश्चक्रे संततिश्चोपभोगो
तस्मात गोदा प्राप्त्या पुष्ट्या लोक संरक्षणेन गावस्तुल्याः सूर्यपादैः पृथिव्याम् शब्दश्चैका संततश्चोपभोगात् तस्मात् गोदा सूर्य इवाव भाति। गोवंश में सच्चिदानंद घन परमेश्वर की त्रिविध शक्तियों का सन्निवेश हुआ है। महाभारत में यह लिखा है कि भगवान ने अपनी पूरी शक्तियों को गौ माता में रखा है। पृथ्वी सत प्रधान, सूर्य चित प्रधान तथा चंद्रमा आनंद प्रधान है। इन सत चित आनंद स्वरूपा गाय है। पृथ्वी स्वरूपा है, सूर्य स्वरूपा है और चंद्रमा स्वरूपा है। तो पृथ्वी सत स्वरूप है, सूर्य चित स्वरूप है और चंद्रमा आनंद स्वरूप है। गावा स्वर्ग से सोपानम गावा स्वर्गे भी पूजिता। महाभारत में वर्णन आया है गायें स्वर्ग की सीढ़ियां हैं और स्वर्ग में भी गायों का पूजन होता है। गोमाता सच्चिदानंदमयी है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा स्वरूपा है, स्वर्ग स्वरूपा है, दिशा स्वरूपा है, जल स्वरूपा है, भूत भविष्य वर्तमान स्वरूपा है, यज्ञ स्वरूपा है, स्वाहाकार बखटकार स्वरूपा है। मात्रा जगत की माता है, पुष्ट करने वाली है, इंद्रियों में अनुपम बल का संचार करने वाली है और सरस्वती स्वरूपा है, ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। यहाँ पर ओंकार का जो अर्थ गाय से घटाया गया है, ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ा विचित्र विज्ञान बताया है। और उपनिषद में गा आ ऊ गौ गो गा आ ऊ, तो आ ऊ और मा ये ओम होता है, तो गो और ओम में आ और ऊ की तो समानता है। प्रणवगत आ ऊ और मा में का अर्थ वैश्वानर हिरण्य गर्भ प्राज्ञेश्वर है। गो में दोनों आऊ वैश्वानर हिरण्य गर्भ है। शेष गा का अर्थ शेष गणेश अर्थात प्राज्ञेश माना है। इस प्रकार गो शब्द भी प्रणव के समान तीनों का वाचक है, तीनों देवताओं का वाचक है। इस प्रकार से गो शब्द का निर्वचन कहा गया है और पर्जन्य पत्नी कहा गया है अर्थात अन्न की उपज देने वाली गौ माता है। अन्न सोमरस है। यज्ञपदी गौ माता को कहा गया है इरा छीरा। इरा माने अन्न देने वाली, छीरा माने दूध देने वाली। महिल का भूमि के तेज शक्ति को बढ़ाने वाली। स्वधा प्राणा प्राण वाली, प्राणियों के भीतर धारणा शक्ति को स्थापित करने वाली। दशा बसा स्वरूपा सीधी गाय अच्छी संतान को देने वाली के कारण दशा कहा गया है। सतौदना ऐसी गाय होती घटोगनी के जिनमें इतना दूध निकलता है कि 100 आदमियों का भोजन उस दूध से बन सकता है। अमृत नाभि गाय की नाभि में अमृत है, वही अमृत दूध रूप से मिलता है। माता सारे संसार का दूध रूप से पूरा पोषण करने के कारण माता कहलाती है। रोहिणी निरंतर बढ़ने के कारण रोहिणी कहलाती है। महेंद्री इंद्रियों को पुष्ट करने के कारण महेंद्री कहलाती है। इज्जिया इडा, इडा माने पृथ्वी पूज्य है और इज्जिया माने पूजनीय है। गाय सब तरह से पूजनीय है,
दोग द्रोग धी खूब अमृत स्वरूपा दूध देने वाली है, पावनी पवित्र करने वाली है, घटोगनी घटों के समान स्तन वाली है, बहुला खूब दूध देने वाली है, भद्रा मंगल करने वाली है, अदिति आदि माता, अदिति माने न मारने योग्य, वध नहीं करना चाहिए गाय का, प्राजापत्या प्रजापति से उत्पन्न है, सभी होने से सुगंध है, ब्रह्मा की सुगंध से उत्पन्न होने से, जगती पृथ्वी स्वरूपा है, इंद्राणी सबकी हितैषिणी है, अर्चिया पूज्या है, ज्योति तेजस्विनी है, काम दुखा कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सरस्वती है दूध को झरने वाली है, विश्रुता माने विख्यात है, चंद्रा माने शोभा युक्त है, आतिथेय माने अतिथि सत्कार करने वाली है, विश्वायु माने सारे विश्व का जीवन है, सावित्री माने सूर्य की शक्ति से उत्पन्न है, धेनु माने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार से वेदों में गाय के जितने प्रमुख नाम कहे गए हैं उनका क्या अर्थ है, क्या विशेषता है, इसका वर्णन किया गया है। गाय को विश्व स्वरूपा कहा गया है, विश्वरूप हरि के समान गाय विश्व को रूप है, नहीं आश्चर्य पुराण वेद स्मृति सब गावे, जहाँ तक सूर्य प्रकाश विश्व गौ रूप बतावे, सब जीवन आधार देव मानव बल पावे, श्रेय प्रेय पुरुषार्थ चार गो सेवा पावे, हरि हु की अति इष्ट गौ सब देवन को रूप है, विश्व रूप हरि के समान गाय विश्व को रूप है। जैसे भगवान का विराट स्वरूप से वर्णन हुआ है, इसी प्रकार से गौ माता भी विश्व रूपा है, विश्व स्वरूपा है, गाय विश्व का रूप है, सारे देवता संपूर्ण पृथ्वी सब कुछ गाय के अंदर ही गाय के भीतर ही बसे हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, पुराण वेद स्मृति में यह सब वर्णन करके कहा गया है। जहां तक सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है वहां तक गाय की महिमा को बताया गया है, विश्व स्वरूपा गाय को कहा गया है। सब जीवों का आधार है, देव मानव सब गाय से ही बल पाते हैं, सब सूर्य विश्वरूप हरि के समान गाय विश्व को रूप है, नहीं आश्चर्य पुराण वेद स्मृति सब गावे, जहाँ तक सूर्य प्रकाश विश्व को रूप बतावे, गाय का स्वरूप ही है जहाँ तक प्रकाश है, सब जीवन आधार देव मानव बल पावे, सभी जीवों का आधार है देव मनुष्य बल पाते हैं, श्रेय पेय पुरुषार्थ चार गौ सेवा पावे, धर्म अर्थ काम मोक्ष श्रेय प्रेय सब कुछ गाय से प्राप्त हो जाता है, और हरिहु की अति इष्ट गौ सब देवन को रूप है, भगवान की भी इष्ट देवी गाय है, सब देवताओं का स्वरूप है, विश्व रूप गौ के समान गाय विश्व को रूप है। जिस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में अपने विश्वरूप का वर्णन किया है, उसी प्रकार से अथर्व वेद के नवम मंडल में सप्तम सूक्त में 26 मंत्रों में गौ माता के विश्वरूप का वर्णन हुआ है, इसे गो विश्वरूप सूक्त कहते हैं, इसी को ही गो सूक्त कहते हैं, इसका पाठ किया जाता है, उपर्युक्त मंत्रों का भाव दिखाया गया है कि संपूर्ण सृष्टि गो माता का ही अंग है, अतः हम सब मनुष्य गो माता के ही अंग हैं, हमको गौ माता के साथ एक रूपता समझना चाहिए, गौ
केवल दूध देने वाला मेरा पशु नहीं है, वह हमारे घर की स्वामिनी है, हमारे परिवार का सदस्य है और यह भाव सदा मन में जागृत रखना चाहिए। गाय की अपने माता पिता के समान आदर पूर्वक सेवा करना चाहिए। विश्वरूप गौ के किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। केवल गाय ही ऐसा प्राणी है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, वह अनुपम है। यह प्राणी मात्र की पालन करने वाली निरुपम माता है। कोई भी मनुष्य अपने किसी भी पुरुषार्थ से उसके उपकारों का बदला नहीं चुका सकता है। गौ माता कहते हैं कि दूध का बदला चुकाना, तो गाय का दूध तो जीवन भर पीते हैं, तो उसके ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता है। अतः गौ माता का भगवान से अभेद है। गौ भक्ति भगवत भक्ति की आधार है, सनातन धर्म की पृष्ठभूमि है। गौ के जिस गौरव का वर्णन सूक्त में हुआ है, वह गौरव सनातन काल से हम सबके हृदय में जागृत रहता है। काल क्रम से आज से लोग अनभिज्ञ हो गए हैं। हमारी नसों में पूर्वजों की गौ भक्ति आज भी भरी हुई है, इसलिए हिंदू कहलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति और गोवध को, गाय के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकता है। एक बार अब एक उपाख्यान, वेदों का उपाख्यान आया है। एक बार देवी देवता ऋषि मनुष्य सभी इकट्ठे हुए और कहा कि पूरे भूमंडल में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात पर विवाद छिड़ गया। सर्वश्रेष्ठ कौन है, बड़ी भारी सभा हुई। उसमें सभी देवता आए, ऋषि आए, मनुष्य आए, सभी आए। वे सब अपने अपने इष्ट देवों का नाम ले लेकर के सबको बड़ा बताने लगे। बात उलझ गई, निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। अंत में कहा कि भैया निर्णय तो हो नहीं पा रहा है, तो कहा ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम भी निर्णय देने में असमर्थ है, सर्वोपदि तो वेद है, वह भगवान का स्वरूप है। यस्य निःश्वसितो वेदा, वेद भगवान की श्वास है, इसलिए हमारी दृष्टि से एक बार वेदों का आलोड़न किया जाए, वेदों पर विस्तार से विचार किया जाए और वेद को वेद में जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है यही माना जाए, यह ब्रह्मा जी ने कहा। तब सबने उस सुझाव का आदर किया और सभी ऋषियों ने इकट्ठे हुए। यह अथर्व वेद के अष्टम मंगल में नवम सूत्र में यह सब मंत्र आए हैं, उनमें यह कथा आई है। कौन गौ का एक ऋषि ही किम धाम किम आशीष यक्षम पृथिव्याम मे को वृदे करतु कथमोनुसह। वेद भगवान के न्यायालय में वेद भगवान को न्यायाधीश बनाया गया। हे वेद भगवान आप बताओ, तो बहुत से प्रश्न हैं। कौन से प्रश्न हैं कि ऋषि कौन है, सर्वश्रेष्ठ ऋषि कौन है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन है और भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप कौन है और पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ एक मात्र वही श्रेष्ठ कौन है। तब वेद भगवान ने अपने न्यायालय में अपने निर्भय से निर्णय से अनुभव सुनाया। वेद भगवान ने आदेश अपना सबके सामने अपना मत प्रकट किया। वेद भगवान ने कहा कि मैंने अपने सत्कर्तव्य से समाज को ऊपर उठाया,
किसी ने कहा कि मैंने अपने पुरुषार्थ सत्कर्मों से लोक का पालन किया, सब अपनी अपनी महिमा गालन गाने लगे। तब वेद भगवान ने निर्णय देते हुए कहा कि देखो भैया, न्यायालय में ठीक निर्णय देने वाले को बहुत बड़ा पाप पड़ता है। यह जो हमें कार्य सौंपा गया है तो हम इसका निर्णय दे रहे हैं। इस संसार में केवल एक ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है जिसका मूत्र और गोमय तक पवित्र होता है। इसकी सानी का संसार में कोई दूसरा पुरुष मनुष्य जीव नहीं है। और वो सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी है उसको गौ माता कहते हैं। और तुम कहते हो कि ऋषि कौन है श्रेष्ठ, तो कहते हैं कि गाय के भीतर ही वह ऋषि की ऋषिता रहती है। धाम कौन श्रेष्ठ है, तो गाय के भीतर सभी तीर्थ रहते हैं। सबका आश्रय गाय है। आशीर्वाद कल्याण करने वाला कौन है, कहते वह गाय ही है। तो कौन गौ का एक ऋषि ही, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर के गाय 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 गाय। प्रश्न, सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणी कौन है, सबसे बड़ा ऋषि कौन है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन है, सबका आधार कौन है, सबका मंगल करने वाला कौन है, तो वेद भगवान ने कहा यक्ष कौन है। यक्ष माने भगवान का स्वरूप कौन है। कौन गऊ का एक ऋषि ही, किमु धाम का आशीषः। यक्षम पृथिव्याम एक वृदे कर्तु कथमोनुषः। यह मंत्र है। उससे अगला मंत्र है 26वां मंत्र, एको गौरे का एक ऋषि एकम धामई के आशीषः। यक्षम पृथिव्याम एक वृदे कर्तुर नाति रिच्यते। हे ऋषियों, हे देवताओं, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर केवल गाय है। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ गाय है, ऋषियों में श्रेष्ठ गाय है। चाहे उसको ऋषि कहो, चाहे देवता कहो, चाहे तीर्थ कहो, चाहे कल्याणकारी कहो, चाहे पूजनीय कहो, चाहे ऋतकाल काल स्वरूपा कहो, चाहे नियमन करने वाली कहो, चाहे विश्वरूप गौ माता कहो, यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त परमात्मा ही सर्वज्ञ सृष्टा ऋषि है। और भगवान नारायण ही वह है। उन ऋषि और गौ माता का एक ही कुल है। संपूर्ण पृथ्वी ही धाम है और जो गौ का ही स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी ही गौ माता ही धाम है। भगवान के हृदय स्थल में निवास करने वाली महालक्ष्मी जी, सीता जी, राधा रानी, आह्लादनी शक्ति, करुणावतार वात्सल्यमती गौ माता ही हैं। इसलिए सीता, राधा, रुक्मण, आह्लादनी शक्ति यह सभी गाय ही है। वही ऋतियों के सर्वकाल में दर्शन देकर, दुग्ध आदि देकर के जीवों को नरक आदि से यातना से बचाती हैं। इसलिए जो गाय को पशु मानता है वह अपराधी है, पाप करता है। गो माता को पशु की पंक्ति में नहीं रखा जा सकता है। वह तो भगवान के समान विश्व स्वरूपा है। वह समस्त पृथ्वी उसी का घर है। वह गृहस्थी है। सारी धरती गौ माता की है। इसलिए गाय माता हमको पालन पोषण के लिए भूमि को देती है, वैसे सारी भूमि के ऊपर अधिकार गौ माता का है। इसलिए गोचर भूमि पर कब्जा करके उसमें अन्न कमाना अच्छा नहीं है। वह सबका आधार अन्नदात्री गाय पृथ्वी स्वरूपा है। हे इंद्रदेव, वही करता है, करता न स्वस्ति मता। हे देवो, गो माता ही प्रमुख स्थान देकर उपासना करो, उसको समझो, वह सबकी कल्याण करती है।
तब देवाओं देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि जिससे हम गोमाता को प्रमुख स्थान दे करके उनके सेवक बन के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अजय और सुखी हो जाए। यह प्रसंग वेद का प्रसंग कहा गया है, इसको जिसको देखने की इच्छा हो और उसको अथर्व वेद के 8वें मंगल में मंडल में 9वें इन मंत्रादि का ये वर्णन दिया है। उतनो दियो गो अग्रा पूखन विष्णुवेवा भयावह कर्ता न शक्तिमता समिंद्र राया समिचारणे मही संबाजे भी पुरुषचंद्रई रवितु रविति सदे समदेव्या प्रमत्या वीर सुस्मया यो अग्रया या स्वत्ता रभे मही। ऋग्वेद में महर्षि सायण ने कहा है, गो के परत्व को वर्णन किया है, सर्वश्रेष्ठ गाय है, गो माता पूजा करने योग्य है, उसके अंग प्रत्यंग में देवताओं का निवास है। और कहा है, यजुर्वेद में कहा है, इस बात को सब जगह श्रेष्ठ करते हैं कि सभी शास्त्र में गाय को सर्वश्रेष्ठ कहा है। यजुर्वेद में कहा है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर् द्यौ समुद्र समासरा इंद्रः पृथिव्यौ वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते। ये सूक्त गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय माता के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे परमात्मा की महिमा अनंत है, उसको प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, संसार का कोई प्रकाश सूर्य के समान नहीं कहा जा सकता है। कोई कह दे कि हमारा बल्ब सूरज जैसा जलता है, कोई कह दे कि हमारा दीपक सूर्य जैसा जलता है, या नक्षत्र सूर्य के समान तेज किसी का नहीं। तो प्रकाश की बात आएगी तो ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, सूर्य का प्रकाश कैसा है, सूर्य के समान ही। और समुद्र, सबसे बड़ा तालाब कौन है, जलाशय सबसे बड़ा जलाशय कौन है, तो कहते समुद्र के समान कोई जलाशय नहीं है, सबसे बड़ा जलाशय समुद्र है। और कहते हैं कि पृथ्वी कितनी विस्तृत है, उसकी उपमा किससे दी जाए, तो पृथ्वी की उपमा पृथ्वी से ही दी जाएगी, दूसरा ऐसा कोई नहीं है। तो गोस्तु मात्रा न विद्यते, कहते सूर्य की उपमा, समुद्र के समुद्र जलाशय की बात जैसे पृथ्वी की बात कही गई है, इसी तरह से गोस्तु मात्रा न विद्यते, रक्षा करने वाली, वात्सल्य रस को देने वाली, अमृत को पिलाने वाली, और प्राणी मात्र में की मातृभाव से पोषण करने वाली गाय माता की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, गाय अनुपम है। ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 48 मंत्र है। सूर्य के समान किसी का प्रकाश नहीं, सूर्य के समान प्रकाश सूर्य का है, समुद्र के समान जलाशय नहीं, समुद्र से बड़ा जलाशय नहीं हो सकता है, पृथ्वी से बड़ा आधार नहीं होता है, पृथ्वी सबसे बड़ी है, आधार जिस पर हम रहते हैं, हवा में मकान नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश की किसी से क्षमता नहीं, समुद्र तालाब की जिससे किसी से क्षमता नहीं, पृथ्वी के आधार विस्तार रूप से क्षमता नहीं, इसी प्रकार से गौस्तु मात्रा न विद्यते, गौ माता परमाराध्या सब कुछ है, श्री लक्ष्मी रानी देवी राधा आराध्या सब कुछ गौ माता है।
अब इस संबंध में बड़ा लंबा स्त्रोत्र है और अथर्ववेद के मंत्रों का वर्णन है, तो हम उसको भाषा रूप में पढ़े देते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों का उतना क्लिष्ट अर्थ वर्णन करना सहज नहीं है। इतने बात हमने वेदों के सार को सुना दिया है कि गाय की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है कि गाय किसके समान है। मुकुट मणि सृष्टि को आधार गाय वेद माता, बुद्धि शक्ति क्रिया शक्ति ब्रह्म ज्ञान दाता है। सत्य शिव सुंदर प्रभु करुणा अवतार गाय, भारतीय संस्कृति आधार गाय माता है। अब जितने सद्गुण हैं, शांतिशील सद्गुण की दायक सतो गुण रूपा, बल तुष्टि पुष्टि इंद्रिय शक्ति की प्रदाता है। वाणी जल विद्युत इंद्रिय किरण गायत्री गाय, वात्सल्य गुण विश्व गाय ही से पाता है। वाणी को भी गाय कहते, जल को भी गाय कहते, बिजली को भी गाय कहते, इंद्रियों को भी गाय कहते, किरणों को गाय कहते हैं, गायत्री को गाय कहते हैं, वात्सल्य गुण वाली माता को गाय कहते हैं। माताओं में जो प्रेम है वो गाय से आया है। गो सूर्य किरण ज्योति आयु गो किरण तीन, जंगम स्थावर यथा शक्ति सोख पाता है। सूर्य भगवान की तीन किरणें हैं, जिसमें से एक किरण का नाम गो किरण है। बड़ा भारी रहस्य प्रकट कर रहे हैं। सूर्य भगवान की तीन किरणें हैं, उनमें से एक किरण का नाम गौ किरण है। गाय का नाम इसलिए गाय पड़ा है कि उस गौ किरण को जिससे स्थावर जंगम सभी पाते हैं, तो कोई उस गौ किरण को धारण करके सोख नहीं पाता। उस गौ किरण को सोखने की शक्ति केवल गाय में है। गाय की जो कांदोर डीला, गर्दन के ऊपर जो मोटा डीला होता है, गो किरण गाय अधिक डीला से संग्रह करे, यह डीला गाय के ही होता है बड़ा। तो गाय अपने डीले से सूर्य भगवान की उस गो किरण के तेज को संग्रह करती है, उसमें स्वर्ण की मात्रा होती है। गाय को दूध को देखो, घी को देखो, तो सोने का स्वर्ण की मात्रा होती है। और यही ते प्रभाव दूध अमृत कहता है। वह डीला के सूर्य के तेज को गौ किरण को सोखने के कारण गौ की को गौ माता कहते हैं और उसके दूध को अमृत कहते हैं। पूज्य तीन माता, तीन माताएं हैं जीवन में पूजन करने की। पूज्य तीन माता प्रथम जन्म दे के पालन करे। पहली माता जो हमको जन्म दे करके हमको पालती पोसती है। पूज्य तीन माता प्रथम जन्म दे के पालन करे, दूध को पियावे प्रथम गुरु बुद्धि दाता है। दूध को पिलाने वाली है और माता ही सबमें पहला गुरु है, क्योंकि वही संसार के सभी शब्दों का ज्ञान कराती है, बुद्धि कराती है। गौ माता ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, तो कोई कैसे समझे। माता ही समझाती है कि ये गाय है, ये बैल है, ये अमुक चीज है, सब इसलिए प्रथम गुरु गाय माता को कहा है। धारण कर अन्न जल दे के पाल भूमि माता। दूसरी माता कौन है जो जीवन भर अन्न जल धान्य देकर पालन करती है, वह पृथ्वी माता है। धारण कर अन्न जल दे के पाले भूमि माता, वो दूसरी माता है। जीवन भर दूध को पियावे गौ माता है, और जीवन भर जो दूध को पियाती वो तीसरी माता गौ माता है। तो तीन माताएं हुई,
जन्म देने वाली माता, पृथ्वी माता और तीसरी गौ माता, इनमें भेद नहीं है। गोलोक एक रूप एक भूलोक, गोलोक एक रूप भूलोक, सभी को सार गाय रूप विश्व माता है। गाय विश्व स्वरूपा है, अमृत नाभि सबको सार भूमि रूपा गौ माता। गाय अमृत नाभि कही गई है, सबका सार है। और जब भी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं तो गाय का स्वरूप धारण करके ही पृथ्वी जाती है। दूध दही घट मूत्र गोमय रोचन दाता है, और गाय दूध दही घी गो मूत्र गोबर और गोरोचन, गोरोचन तिलक दिए, शोभित कर नवनीत लिए, पवित्रा गाय के मस्तक में से पीला पीला सुगंधित अत्यंत पवित्र पदार्थ निकलता, उसको गोरोचन कहते हैं। आज तो दुर्लभ भी हो रहा है वो। सर्वतः पृथ्वी सी ताड़न निरोध तह, पृथ्वी का नाम है सर्वसह, सब कुछ सह लेती पृथ्वी। इसी तरह गाय का नाम भी सर्वसह है, सब कुछ सह लेती है। सर्वसह पृथ्वी सी ताड़न निरोध सह, जग पाले गाय मही एक वेद गाता है। घर की सदस्य सुख दुख की सहायिका है, गाय घर की सदस्य है, सुख दुख में साथ देने वाली है। घर में नहीं गाय भारत भारत ना कहता है, अगर घर में गाय नहीं है तो वह सूना घर है। घर में गाय तुलसी अवश्य ही होना चाहिए, नहीं है तो क्या करे। तो कहते हैं कि गाय का चित्र रख के नित्य पूजन करे, गाय की मूर्ति बना के पूजन करे और नित्य गोग्रास निकाले, या गाय के निमित्त कुछ ना कुछ गो ग्रास निकाल करके एकत्र करे। चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष दाता, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति की प्रदाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अतिरिक्त पांचवा पुरुषार्थ प्रेमा भक्ति है। भक्ति स्वरूपा ही गाय है, इसलिए गाय की सेवा से भक्ति मिलती है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम गाय ही से यज्ञ रचो, यज्ञ की उत्पत्ति पहले गाय से ही हुई। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम गाय ही से यज्ञ रचो, यज्ञेन यज्ञमय जंत वेद गाता है। वेद में जो मंत्र है जिससे फूल चढ़ाते हैं पुष्पांजलि, ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नो, तो यज्ञेन यज्ञमय जंत यज्ञ स्वरूप गाय से ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यज्ञ किया, यह उसका अर्थ। पंडित लोग बैठे हैं पुष्पांजलि में इस मंत्र बोलते हैं, यज्ञ स्वरूप गाय से यज्ञ ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तीन पाद ऊर्ध गोलोक एक पाद धरा, जो चार पाद विभूति, भगवान की विभूति चार भावों में बटी है, तो तीन भाग तो वैकुंठ में है, एक भाग से पूरी पृथ्वी का सब कुछ बना हुआ है। तीन पाद ऊर्ध गोलोक एक पाद धरा, तीन पाद में गोलोक है, एक पाद में पृथ्वी है। बीच सूर्य किरणों से पोषण जग पाता है, बीच में सूर्य चमकता हुआ इस लोक को किरणों से प्रकाशित करता है। वह माता गौ कौन है, एक माता एकादश रुद्र अष्टवसु दुहिता है। एकादश जो ग्यारह रुद्र हैं उनकी माता है गौ माता, और अष्टवसुओं की बहन है, और द्वादश आदित्य सुसा दुहिता द्वादश पुत्री है, अष्टवसुओं की पुत्री है द्वादश आदित्य सुसा, और बारह सूर्यों की बहना है, अमृत नाभि माता है, अमृत नाभि कहलाती है। उपजी समुद्र भये लक्ष्मी की बड़ी बहन, समुद्र में लक्ष्मी जी से पहले कामधेनु प्रकट हुई, तो गोमाता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। भई पृथु पुत्री
शिव इष्ट वस्तु दाता है। और पृथु महाराज जो भगवान का अवतार है, पृथु अवतार, उन्होंने उसको अपनी पुत्री माना है और इष्ट वस्तु को देने वाला माना है, उससे सभी वस्तुओं का दोहन किया है, इसलिए वह पृथ्वी स्वरूपा जो है सब कुछ देने वाली है। ब्रह्मा वर दियो सर्वलोक को शिरोमणि लोक, प्रजापति अमृत की सुरभि सुरभि माता है। और सर्वलोक श्रोमण लोक जो है गोलोक है, प्रजापति ने अमृत पी करके जो दकार आई सुरभि आई से सुरभि प्रकट हुई, इसलिए सुरभि की महिमा है। निरपेक्ष नरवैर शांत समदर्शी जान, पदरज अविलासी कृष्ण पीछे पीछे जाता है। जो भक्त के लक्षण हैं, भगवान कहते हैं कि अनुब्रजाम अहम नित्यम पुए दंग्र रेणु भी, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ जिससे उनकी धूल से पवित्र हो जाए। तो वह गाय में वह गुण कहे तो गाय में है वे गुण, निरपेक्ष है, निर्वैर है, शांत है, समदर्शी है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण पदरज अभिलाषी कृष्ण पीछे पीछे जाता है, भगवान पीछे पीछे चलते हैं। अदिति अदनाट, अदिति कहते हैं अद धातु खाने के अर्थ में, सारा पोषण देने वाला अन्नों का भी अन्न दूध है। अदिति अदनाट दूध दधि घृत अन्न दाता, और गोबर डालने से श्रेष्ठ अन्न पैदा होता। अदिति अवध अदिति खंड अर्थ आयो है, अदिति का अर्थ हो कि जिसको बधना किया जाए अवध्या है। गाय विश्वरूप कहो अदित्र देवरंतरिक्ष, गाय को विश्वरूप कहा गया है। स्वस्ति वाचन में कहते हैं ओम अदित्र देवर अदित्र अंतरिक्ष अदित्र माता सपिता सपुत्रा, इसमें अदिति अदिति ये गाय को ही कहा गया है। माता अदिति विश्वरूपा कहो अदिति देवर अंतरिक्ष माता पिता पुत्र सब देव रूप ध्यायो है। पंच जन अदिति वर्तमान भूत और भविष्य, अदिति रिद्यव, देखो इस मंत्र का पूरा अर्थ इसमें लिखा है, ओम अदिति रिद्यव अदिति रंतरिक्ष मदितिर माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदिति पंच जना अदितिर जात मदितिर जनित्वम। गाय अवनात अदनात दूध दधि घृत अन्न दाता, अदिति अवध अदिति खंड कियो अर्थ आयो है। गाय विश्वरूप कहो अदितिर देवर अंतरिक्ष माता पिता पुत्र सब देव रूप ध्यायो है। पंच जन अदिति वर्तमान भूत और भविष्य तीन काल तीन लोक गाय उपजायो है। पंच जन जो जिसे पंच कहते के पंचायत जोड़ लो, वह गाय का स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप है। कृषिकाय पुष्टि स्थूल काय सौष्ठव दे, गाय का दूध कोई कमजोर है तो उसको तंदुरुस्त बनाती है, स्थूल शरीर हो तो उसको ठोस पोषण कर देती है। धन्य ग्रह तीर्थ गोवत्स ध्वनि सुनायो है, जिसके घर में गाय के बछड़े गाय के रमाने की आवाज नहीं सुनाई देती वह शून्य है, गाय का की मधुर ध्वनि घर में सुनाई दे ही नहीं जानी चाहिए। बारह सूक्त वेदन में कह गाय महिमा के, वेदों में सबसे ज्यादा सूक्त बारह सूक्त कहे गाय की महिमा के, एक नहीं गो सूक्त बारह सूक्त है। बारह सूक्त वेदन में कहे गाय महिमा के, अग्न्या शब्द 137 बार आयो है। गाय को अग्न्या कहा है, अग्निया माने अवध्या, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, यह अग्ना सा 130 बार आया है। भारत अथर्व स्कंद पद्म और भविष्य ब्रह्मांड पाराशर को विश्वरूप गायो है, इतने पुराणों में गाय को विश्वरूप का वर्णन किया है। महाभारत में, अथर्व वेद में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और पाराशर स्थिति में गाय को विश्वरूप का वर्णन किया गया है। अब इनका अगर विस्तार से लिखने लग जाए तो इन सारे सूक्तों को लिख करके सबको
गाय मुख वेद षड अंग पद क्रम के साथ, गाय सरस्वती वेद स्वरूपा है, गायत्री स्वरूपा है, छह अंगों के साथ पद क्रम के साथ सर्वप्रथम शब्द गाय माता ने सुनायो है। ओम शब्द की उत्पत्ति पृथ्वी में सबसे पहले जड़ पदार्थों में चेतन पदार्थ बनाए तो सबसे पहले गाय ही बोली। धरती में ब्रह्मा जी की सृष्टि में सर्वप्रथम गाय ही बोली। आयो अरिष्टासुर बैल बन मारो कृष्ण, धारो रूप बैल प्रायश्चित करवायो। गाय इतनी परम पूज्या है कि अरिष्ट नाम का असुर बैल बन के आया और गोकुल में उसने हाहाकार मचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार दिया। तब सभी ब्रजवासियों ने कहा, अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, तो गाय गो हत्या लग गई। कन्हैया ने कहा कि अभी तो सब चिल्ला रहे थे रक्षा करो रक्षा करो, अरे जो तो राक्षस है, तो बोलो कछु भी हो, राक्षस हो कछु हो, स्वरूप तो उसको बैल को है, तो इसलिए तुम्हें जो है प्रायश्चित करना चाहिए। तब भगवान ने उसके प्रायश्चित स्वरूप राधा रानी ने कहा, अरे सखियो, कन्हैया को गौ हत्या लग गई है, अब कृष्ण कुंड में कोई स्नान नहीं करियो, इसमें स्नान करवे की जरूरत नहीं है। इन्होंने इसमें हाँ सबने कहा कहा कि अब कुछ सब तीर्थों में तुम्हें स्नान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब तीर्थों का आवाहन करके और राधा कुंड में कृष्ण कुंड बनाया, उसमें सभी तीर्थों का आवाहन कर दिया और स्नान करके अपनी गोहत्या को प्रायश्चित कर लिया। तो राधा रानी ने कहा, अरे सखियो, या कुंड में और कृष्ण ने अपनी गौ हत्या को धोयो है, या से या जल में सबको स्नान नहीं करियो। तब स्नान नहीं किया राधा रानी ने सखियों ने। तब भगवान ने हाथ जोड़कर राधा रानी से प्रार्थना की, हे श्यामा जू, हे किशोरी जू, आज आप अगर हमारी उपेक्षा कर दोगी तो हमको कोई भी महत्व नहीं देगो, इसलिए हमारा तुम्हारा तो एक भाव, दो देह एक रूप है, और इसलिए हमारे महत्व को बड़ा देखो, अपने कुंड से हमारा एक रूप कर दो। तब नीचे नीचे से एक रूप कर दिया गया, दोनों को मिलके एक किया गया है, कृष्ण कुंड और राधा कुंड का जल एक किया गया है। गाय विश्व रूप सर्व रूप देव रूप कही, सिंगन में शंकर और विष्णु वास पायो है, सिंगों में शंकर और विष्णु भगवान का निवास है, उधर में कार्तिकेय पेट में कार्तिकेय जी का निवास है, शीर्ष ब्रह्मा मस्तक में ब्रह्मा जी का निवास है, शिव ललाट मस्तक पर ललाट पर शंकर जी का है, इंद्र श्रृंगार सिंहों के आगे भाग में इंद्र का कर्ण अश्विनी बसायो है, कानों में अश्विनी कुमार का वास है, गोदा तीर्थ गोमूत्र रोम ऋषि पीठ यम। गाय के गोदा भाग में सभी तीर्थों का निवास है, बड़ी विचित्र बात है, और गोमूत्र में गंगा आदि नदियों का निवास है, और रोम में सभी ऋषियों का निवास है, और पीठ में यम का निवास है। गोदा तीर्थ गोमूत्र रोम ऋषि पीठ यम, वरुण कुबेर पार्थ दक्षिण वास पायो है, और वरुण कुबेर बगल में है, दक्षिण पार्श्व में है, वाम पार्श्व यक्ष बलि, वाम पार्श्व में यक्ष हैं, बलि नासिका में सर्प, यक्ष बलवान है, बाएं ओर नासिका में सर्प हैं, मुख भीतर गंधर्व खुरन अप्सरा बसायो है, मुख में गंधर्व खुरों में अप्सरा का वास है, नेत्रन में शशि सूर्य, नेत्रों में चंद्रमा सूर्य है, दांत गरुड़ दांतों में गरुड़, जीव गिरा जीभ में सरस्वती है, गोमय में लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी है, मूत्र मंगला बसायो है, और मूत्र में गंगा जल का निवास है,
पाद अग्र खेचर गुर देव हुंकार प्रजापति चार। पादों के अग्र भाग में खेचर देवताओं का वास है, आकाशगामी देवताओं का वास है, हुंकार प्रजापति और हुंकार में प्रजापति का वास है। चार सिंधु चार थन, चारों समुद्र चार थनों में है। गोरज तीर्थ गायो है, गाय की रज में चरणों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। सर्व देवमयी सर्व तीर्थमयी शुभदात्री, गाय सभी देवमयी है सभी तीर्थमयी है, शुभ देने वाली है। दरस परस सेवा पूजा मंगल जग पायो है, गाय के दर्श से स्पर्श करने से परिक्रमा करने से पूजा करने से नाम लेने से सदा मंगल होता है। धिक धिक कटघनी मात्र घाती नहीं गति पावे, यही है तो गोवध को महापाप गायो है। माँ गोवध महापाप है, उनको धिक्कार है, धिक धिक वह कृतघ्नि है अपनी माता के, गाय को पी करके भी उसका ऋण नहीं चुकाते। वे मात्र घाती की गति को प्राप्त करते हैं जो गोवध करने वाले होते हैं। इस प्रकार से अथर्व वेद के नवम मंडल में सप्तम सूक्त में 26 मंत्रों में और सभी पुराणों में जो 5-6 पुराणों का नाम लिया है, विश्वरूप गाय के प्रसंग के अंग अंग का वर्णन हुआ है। विश्वरूप वर्णन कुछ इस प्रकार से, पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 57 से 156 से 165 श्लोक तक, स्कंद पुराण के खा खंड में अध्याय 86 में गाय के विश्वरूप का वर्णन है। पराशर स्मृति के अध्याय 5 में 34 से 41 श्लोक तक वर्णन है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में 69 अध्याय में 25 से 37 श्लोक तक वर्णन किया है। महाभारत में अश्वेधिक पर्व में वैष्णव धर्म पर्व में अध्याय 82 में और गाय के विश्वरूप का वर्णन हुआ है। इस प्रकार से और गाय के रूप को अथर्व वेद में गो विश्वरूप कहा गया है, उसका इसमें अवतरण किया गया है और अर्थ भी दिया गया है। यह आज का विषय कुछ ऐसा ठोस विषय हो गया जिसमें गाय की महिमा का ही वर्णन किया गया है और गाय की ऐसी महिमा शास्त्रों में लिखी है। बोलो गो माता की जय। बेणी सी पावन परम है देनी फलचार, स्वर्ग न सेनी हरि कथा नरक निवारण हार। एक छोटा सा कीर्तन, सेव्याधेनु एव राम जी की प्यारी गोपाल जी की प्यारी, गैया मैया परम दुखारी हाय रे नंद जी की प्यारी, वृषभान की दोलारी गैया मैया परम दुखारी, फिरती है मारी मारी हाय रे। जैसी धरती माता है जैसी भारत माता है, जैसी अपनी माता है वैसी ही गो माता है, माता का बध होता है यह सोच हृदय रोता है गैया परम दुखारी, फिरती है मारी मारी हाय रे। भारत जनता रोती है गौ हत्या क्यों होती है, हम उत्तर दे ना पाए फिर क्यों हिंदू कहलाए। निरपेक्ष बने हर जाई हम खुद ही बने कसाई, माता का बध होता है यह सोच हृदय रोता है गैया परम दुखारी, फिरती है मारी मारी हाय रे। जिस दिन आजादी होगी गो हत्या कभी न होगी,
यह राष्ट्रपिता कहते थे, नेता भी दम भरते थे। हमने आजादी पाली, अपनी सरकार बना ली, पर गोवध रोक न पाए, यह कलंक धो न पाए। है गैया परम दुखारी, फिरती है मारी मारी हाय रे। खुशहाली उस दिन होगी, भारत माता गौ होगी। है गैया परम दुखारी, फिरती है मारी मारी हाय रे गौ माता की जय। यदक्षरम परम वृत्तम पदम वृत्तम मात्राहीनम चयन भवे तत्सर्व क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी वेणी श्री पावन परम है देनी फलचार हरि कथा नरक निवारण हार गौ माता की जय।